दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के बाजारों में कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा। दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा, कोविड के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। कोरोना काल में देश की जनता महंगाई की दोहरी मार झेल रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने का तेल और दालें तक सब महंगी हो गई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले चिराग पासवान ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पार्टी में चिराग पासवान को मिलाकर एलजेपी से कुल 6 सांसद थे, जिसमें से 5 सांसदों ने अलग गुट बनाकर चिराग से किनारा बना लिया। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर अब रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ने लगा है। देश में कई जगह प्याज, मटर और खीरा जैसी सब्जियों के दाम में 15 से 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मणिपुर के इंफाल से राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने 43 किलोग्राम से ज्यादा सोने के बिस्कुट जिनकी कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें जब्त कर लिया गया है। केरल से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है। राज्य के बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सुरेंद्रन के खिलाफ चुनाव में रिश्वत देने के आरोप हैं। नागिन फेम हीरोइन अनीता हसनंदानी टीवी इंडस्ट्री को बाय नहीं कहेंगी, जल्द ही वे वापसी करेंगी। हालांकि फिलहाल उनकी प्राथमिकता उनका नन्ना बेटा है। साल की शुरुआत में अनीता ने बेटे को जन्म दिया था। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स में राजू का किरदार निभाने वाले शर्मन जोशी ने फिल्म से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर की हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के एक सीन के लिए एक्ट्रेस ने असल में शराब पी थी और ये आमिर खान आइडिया था। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज इंग्लैंड के साउथम्पटन में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली फाइनल को मात्र एक टेस्ट मानते हैं।